नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जनसत्य न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ अनु सिंह। आज हमारे साथ जुड़े हैं उत्तर प्रदेश के एसपी एसीओ राजीव मल्होत्रा जी। राजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जनसत्य न्यूज पर। थैंक यू राजीव जी। कोरोना महामारी का असर हर क्षेत्र में और हर विभाग की कार्रवाई पर पड़ा है। मैं आपके विभाग के बारे में जानूं, इससे पहले कोविड 19 का असर इस वक्त देश पर आप कैसा देख रहे हैं? देखिए, कोविड 19 जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि इट स्टार्टेड फ्रॉम चाइना, उसके बाद धीरे धीरे इसने लगभग सारे मुल्क जितने भी हैं उसको एनवलप कर लिया है। और उसके डेट में अगर मैं अपडेट दूं आपको, तो पूरे विश्व में जो है करीब 4,75,000 लोग जो हैं इससे कम कर चुके हैं, यानी उनकी असामयिक मृत्यु हो गई है। और करीब 90 लाख जो लोग जो हैं, जो कि इसके अलावा इंडिया में भी कोरोना वायरस का जो प्रकोप है स्टार्ट हुआ फर्स्ट वीक ऑफ मार्च में, और उसके चलते चलते आज अगर हम इसकी स्थिति देखें तो इस वक्त करीब 4,25,000 लोग जो हैं संक्रमित हो चुके हैं और करीब 13,700 लोग जो हैं वो मृत्यु हो चुकी है उनकी, जो कि बहुत ही अनफॉर्चुनेट है। और ये वैश्विक महामारी है, पैंडेमिक है, एक छोटे से वायरस ने जो कि इनविजिबल है, जो कि आपको दिखता भी, दुनिया में जो है कहीं ना कहीं अपना प्रभाव डाला है, जिससे विश्व के करीब 200 मुल्क जो हैं इससे प्रभावित हो गए हैं। और कोरोना वायरस जो है हमारे जीवन में तो ऐसा पहली बार ही हुआ है, और 2020 जाना भी इसी के नाम से जाएगा। और अब हम लोग दो चीज की कैटेगरी करेंगे, एक प्री कोविड, ड्यूरिंग कोविड और पोस्ट कोविड। ठीक। और राजीव जी, आप यूपी एंटी करप्शन ऑर्गेनाइजेशन के एसपी हैं। पिछले 3 महीने में कोविड 19 महामारी का असर आपके विभाग की कार्रवाई पर कैसा पड़ा है, ये भी बताएं। देखिए, जो हमारा विभाग है ये अपने आप में यूनिक है। ये एंटी करप्शन ऑर्गेनाइजेशन यूपी का जो ये डिपार्टमेंट है, ये ऐसा डिपार्टमेंट, इट्स द वन ऑफ इट्स काइंड इन द एंटायर कंट्री। ये इंक्वायरीज करता है करप्शन से रिलेटेड, इंटेलिजेंस कलेक्ट करता है करप्शन से रिलेटेड, रंगे हाथ लोगों को पकड़ता है जो कि लोग पैसा लेते हैं, रिश्वत लेते हैं, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि ये फील्ड का काम नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है कि करीब 3 महीने से हम लोगों ने इसमें कोई काम नहीं किया है। जहाँ जहाँ हमें शिकायत हुई, जहाँ जहाँ हमें शिकायत मिली कि कोई करप्शन हो रहा है, तमाम डिस्ट्रीब्यूशन में कोई करप्शन हो रहा है, पीडीएस में कोई करप्शन हो रहा है, पैसे को लेन देन में जो है आम आदमी जो है वो पीड़ित है और उसकी सुनवाई नहीं हो रही है, जो भी स्पेसिफिक कंप्लेंट हमारे पास आई, हमने उसको इन्वेस्टिगेट किया, उसका हमने अनुसंधान किया और उसको प्रॉपर लॉजिकल कंक्लूजन पर पहुंचाया। ये सही है कि हम लोगों ने रंगे हाथ नहीं पकड़े हैं, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग हमें फॉलो करनी पड़ती है, इसलिए वो जो एक हमारी कार्रवाई है वो तो जरूर स्थगित रही है, लेकिन अब उसको भी हमने अब प्रारंभ कर दिया। धीरे धीरे जैसे लॉकडाउन खुल रहा है और हम लोग अनलॉक 1 अनलॉक 2 की तरफ बढ़ रहे हैं, कार्रवाइयाँ हुई हैं, कार्रवाइयों का स्तर भी बहुत अच्छा रहा है, आम आदमियों को भी इसमें काफ़ी राहत मिली है, और जो भी हमें, जिसने भी हमें सूचना दी है, कोई स्पेसिफिक सूचना दी है, उस पर हमने फौरी तौर पर कार्रवाई की। आगे भी ये जो कार्रवाई है इसकी प्रक्रिया पर बात करना चाहूंगी राजीव जी, लेकिन इससे पहले आपने कहा कि जो आपका ये विभाग है ये एक अनोखा है और लगभग पूरे देश में ऐसा विभाग बहुत यूनिक है ये, और योगी सरकार की भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति है जिसके तहत आप और आगे इस पर काम कर रहे हैं। इसके तहत कैसा काम अभी तक प्रदेश में हुआ है इस विभाग के द्वारा और क्या इसका आगे किस तरह की आपकी प्लानिंग है इसे ले जाने की? देखिए, ये जो एंटी करप्शन ऑर्गेनाइजेशन है, जितने भी और स्टेट्स हैं वहाँ पे इट्स एसीबी कहलाया जाता है, ये एंटी करप्शन ब्यूरो। ये एसीओ जो है एक सेपरेट एंटिटी है, और इंडिया में ऐसा कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जो नॉन गजेटेड एम्प्लॉयज़ को रंगे हाथ पकड़ता है, करप्शन से रिलेटेड उनकी इंक्वायरीज करता है। सरप्राइज की हम लोगों ने करीब मुझे 2 साल हो गए, 2.5 साल हो गए हैं यहाँ पे, हम लोगों ने और काम किया है 2018 में और 2019 में। 2018 में हम लोगों ने 80 लोगों को रंगे हाथ रिश्वत लेते हुए पकड़ा था, और 2019 में हम लोगों ने 100 लोगों को रंगे हाथ रिश्वत लेते पकड़ा, जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड है। 77 से ये ऑर्गेनाइजेशन अपने अस्तित्व में है, और चलते चलते हमने 18 और 19 में जो कार्रवाइयाँ हुई हैं वो अपने आप में बहुत ही अभूतपूर्व हैं।
हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी, उनका बहुत बड़ा एम्फेसिस है जीरो टॉलरेंस टुवर्ड्स करप्शन, करप्शन के प्रति जीरो टॉलरेंस होना, यह नीति जो है उसको फलीभूत कर रहा है ये वाला हमारा जो संगठन है। और हम काम कर रहे हैं उनके निर्देशन में, बहुत अच्छे परिणाम आए हैं। हम लोगों ने सोशल मीडिया पर आम जनता में अवेयरनेस फैलाने के लिए बहुत इसमें कार्य किया है। हम आम आदमी हमें कंप्लेन करता है, मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमने दो हेल्पलाइन नंबर्स इसके इशू किए हैं। उत्तर प्रदेश में कोई भी व्यक्ति अगर वो करप्शन से पीड़ित है, कहीं ना कहीं उसका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है और उससे पैसा मांगा जा रहा है, तो जो दो नंबर्स हैं मैं अभी आपको दूंगा, आप स्क्रीन पर उसको दिखा सकते हैं जिससे कि हमारे दर्शक लाभान्वित होंगे। एक नंबर है 94-54-0-315, ये मेरा अपना नंबर है, 24/7 ये ऑपरेशनल रहता है। मैं ही एज एसपी एंटी करप्शन जो है इसको अटेंड करता हूँ कॉल्स को और कार्रवाई करता हूँ। एक मैंने अपना कंट्रोल रूम खोला हुआ है, ये भी 24/7 चलता है। द नंबर इज 9454402484। इसके अलावा हमारा एक SPACO_HQ एक ट्विटर अकाउंट है, वहां पे भी कोई शिकायत कर सकता है, तो विजन ऑफ इट उसका हम संज्ञान लेते हैं और कार्रवाई करते हैं। जी बिल्कुल, और राजीव जी, जिस तरह आपने बताया कि कई अधिकारियों को आपने रंगे हाथों पकड़ा है और ये खबरें भी रही हैं, और ये जो पूरी कार्रवाई रही है इसमें कितने प्रतिशत जो आम लोग हैं वो इन कार्रवाइयों के प्रहरी रहते हैं, यानी विसिल ब्लोअर एक तरह से रहते हैं जो आपको सूचना देते हैं और उनके आगे लीड पर ही इस तरह जो लोग भ्रष्टाचार में लिप्त हैं या फिर जो लोग धांधली कर रहे हैं उन तक आपका शिकंजा पहुँचता है? ये आपने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा। देखिए, जो भी हमें सूचना देता, जैसे में नंबर्स हैं, दे आर ऑल पब्लिक, ये सार्वजनिक है, कोई भी नंबर्स पे हमें कॉल कर सकता है, मुझे कॉल कर सकता है, मेरे कंट्रोल रूम को कॉल कर सकता है और अल्टीमेटली वो मुझे डाइवर्ट हो जाती है। इसकी सूचना हम बिल्कुल सीक्रेट रखते हैं, इट इज़ प्योरली एंड स्ट्रिक्टली कॉन्फिडेंशियल। उस पर हम अपनी एक टीम बनाते हैं, टीम उन तथ्यों की जांच करती है कि वास्तविकता क्या है, कहीं ये द्वेष भावना से या कोई और अपना दुर्भावना से तो ग्रसित नहीं है कि जो शिकायत कर रहा है। उस शिकायत पर जब हमें लगता है कि कार्रवाई होनी चाहिए, देन वी कंडक्ट अ रेड अपनी ट्रैप की टीम के द्वारा, जिसमें कि हमारे DSPs होते हैं, इंस्पेक्टर्स होते हैं और तमाम और स्टाफ होता है, दे आर ऑल इन CVs, सब सादे वस्त्रों में होते हैं। वो वहाँ पर जाते हैं, एक दिन मुकर्रर कराया जाता है कंप्लेनेंट से कि भाई इस दिन जो है पैसा लेने के लिए उसको बुलाओ, और हमारा जो है अंडरकवर ऑपरेशन रहता है और हम रंगे हाथ उसको पकड़ते हैं। साथ में हम इसके दो सरकारी गवाह लेते हैं, जो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट होता है कंसर्निंग डिस्ट्रिक्ट का, जहाँ पे हम लोग रेड कर रहे हैं, वो भी जो है हमें क्या कहते हैं प्रोवाइड कराता है एंड ही इज बाउंड टू प्रोवाइड अस, उस पर हम कार्रवाई करते हैं। जैसे मैंने बताया कि हमने 2018 में और 2019 में बहुत ही अभूतपूर्व कार्रवाइयां की हैं, उसके बड़े सार्थक परिणाम मिले। और राजीव जी, अक्सर ये होता है कि जब जब सरकारी योजनाएं आती हैं या उनमें इजाफा होता है तो भ्रष्टाचार और धांधली का स्कोप भी उतना ही बढ़ जाता है, तो कैसे इन चीजों से आप तालमेल बैठाते हैं? कि ये बहुत सही बात है आपकी। देखिए, जितना अवेयरनेस होगा आम आदमी को, जितना हमें लोग एम्पावर करेंगे, जितना जानकारी का उसके पास मटीरियल होगा, जितने स्रोत होंगे, उतनी फायदा जो है आम जन को हम पहुंचा सकते हैं, हम उनको प्रोवाइड कर सकते हैं। तो इसके लिए जैसे मैंने कहा कि राउंड द क्लॉक हमारे ईमेल सिस्टम है, सोशल मीडिया है, सब लोग आजकल किसी न किसी रूप में जुड़े हुए हैं, मोबाइल फोन से जुड़े हुए हैं, तो जो भी योजनाएं होती हैं उसमें कहीं पे भी उन्हें लगता है कि धांधलेबाजी हो रही है, कहीं भी मिलावट हो रही है, किसी को मतलब पात्र है उसको मतलब वो धनराशि या वो मटेरियल प्रोवाइड नहीं किया जा रहा है, तो हम वी टेक एक्शन, हम उस पर संज्ञान लेते हैं और कार्रवाई करते हैं। तो जैसे मैंने कहा ना कि इसमें हमने कार्रवाइयाँ की हैं, आगे भी हम लोग के जो कार्य योजना है कि और जनता को, आम जनता को, जो हमारा कम्युनिटी है उसको इसके साथ इंटीग्रेट किया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी कार्रवाई की जाए, क्योंकि देखिए रिश्वत देना भी अपराध है और रिश्वत लेना तो अपराध है ही है, तमाम प्रोविजन्स हैं आपके प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में। तो इसलिए बेसिक चीज़ ये है कि वन शुड नो कि क्या है, जानकारी होनी चाहिए, अवेयरनेस होनी चाहिए, जितना लेवल ऑफ अवेयरनेस बढ़ेगा उतनी ही हमारी कार्रवाइयाँ जो हैं सार्थक होंगी और रेलिवेंट होंगी।
बिल्कुल सही बात आपने कही कि जितना आप अपने अधिकारों को लेकर जागरूक होंगे उतना ज्यादा आप अपने अधिकारों के क्षेत्र में जो चीजें आती हैं उन्हें हासिल कर पाएंगे। और राजीव जी, इस वक्त जो महामारी का समय या फिर कोई आपदा का समय होता है, उस समय सबसे ज्यादा ये देखा गया है कि सरकारी महकमों में अधिकारियों के स्तर पर या कहीं भी भ्रष्टाचार का स्कोप भी बढ़ जाता है। और इस वक्त जो कोरोना की ये महामारी चल रही है, ऐसे में भी बहुत सारी योजनाएं हैं जो लोगों तक पहुंचाने में बीच में कई सारे स्टेक होल्डर्स होते हैं, वहां पर स्कोप बढ़ता है भ्रष्टाचार का या फिर धांधली का। तो इस समय के लिए आप कितने अलर्ट हैं, कितने सचेत हैं, कैसे काम कर रहे हैं, कैसे चैलेंजेस भी इस वक्त के लिए आ रहे हैं? देखिए, चैलेंजेस हैं लॉ इन्फोर्समेंट मशीनरी के पास, जो आजकल का चैलेंज है, अपने एक एक यूनिक चैलेंज है और हम लोग भी इससे अछूते नहीं हैं। जैसा कहा कि तमाम योजनाएं हैं, गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं, एग्जीक्यूशन तो उनका फील्ड पे ही होता है। गवर्नमेंट फॉर्मुलेट करती है पॉलिसीज को, जो एग्जीक्यूटिव है उसको एग्जीक्यूट करते हैं और हम लोग जो है उसको इन्फोर्स करते हैं। हम लोग देखते हैं कि वास्तविकता में जो मटीरियल है, जो धनराशि है, उसी को पहुंचे जो पात्र है, जो एलिजिबल है। बीच में मिडिलमैन और जो नेक्सस होता है, इसको किसी ना किसी रूप में हम तोड़ें। तो इसके लिए जो हमारी अपनी इंटेलिजेंस मशीनरी है, वो राउंड द क्लॉक जो है कहीं ना कहीं इसकी सूचना इकट्ठी करती है। और आम आदमी सबसे बड़ा स्रोत है हमारे लिए इंटेलिजेंस का, अभी सूचना का। वो हमें बताता है कि कहाँ हो रहा है। तो उस पर, जैसे मैंने बताया कि हमारा एक पूरा SOP है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, उस पर हम कार्रवाई करते हैं एंड वी आर गेटिंग वेरी इनकरेजिंग रिजल्ट्स। और हम लोग और भी प्रयास करेंगे कि और भी सार्थक और अच्छे परिणाम आए, ताकि आम जनता जो है वो जो है वैसे ही इतना, मतलब वो पीड़ित है इस महामारी के चलते हुए, तो उसको राहत मिले। ये तो बात रही कि कैसे आम लोग जो जानकारी या फिर शिकायत आप तक पहुंचाते हैं, आप उन पर एक्शन लेते हैं, लेकिन बाकी जो महकमे हैं उनसे कैसे आप जुड़े रहते हैं, बाकी की संस्थाओं के साथ मिलकर आपका विभाग कैसे काम करता है? देखिए, अगेन बड़ा पर्टिनेंट क्वेश्चन आपने पूछा है वाला। हमारा जो एंटी करप्शन ऑर्गेनाइजेशन है, उत्तर प्रदेश के जितने भी सरकारी विभाग हैं, स्टेट गवर्नमेंट्स के जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, उनसे हमारा जो ACO है वो आच्छादित होता है। अगर वहाँ कोई करप्शन करता है, पैसे का लेन देन होता है, एक्सप्लॉयटेशन होता है, देन वी कम इन टू द पिक्चर। हम एक्शन में आते हैं, हम संज्ञान लेते हैं, वी टेक कॉग्निजेंस एंड वी टेक दैट थिंग टू इट्स लॉजिकल कंक्लूजन, तार्किक परिणाम तक उस चीज को हम लोग ले जाते हैं। बिल्कुल। और राजीव जी, हम यही समझते हैं कि शायद अभी महामारी है तो कुछ 2-3 सेक्टर्स हैं या फिर विभाग हैं जो शायद बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, लेकिन जिस तरह से आप भी बता रहे हैं कि इस वक्त आपका क्या रोल है, तो हमें समझ आ रहा है कि इस वक्त सरकार के जितने भी विभाग हैं, केंद्र हो, राज्य हो, सभी की जिम्मेदारी कहीं ना कहीं बढ़ती जा रही है इस पूरी महामारी के दौरान भी। तो मैं ये भी आपसे जानना चाहूँगी कि इस वक्त खतरा ग्राउंड लेवल पर तो संक्रमण का सभी के लिए है, तो आप अपने विभाग को इस समय कैसे बचा रहे हैं, आप खुद कैसे अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं? देखिए, ये जो वैश्विक महामारी है COVID-19, हमारा विभाग जो है इन्फोर्स करता है, वो फील्ड में रहता है, तो उसे एहतियात लेना ही सुरक्षा है। मतलब प्रिवेंशन इज द ओनली क्योर। जो आपका हाइजीन है, सैनिटेशन है, और जो आपको मतलब प्रोटेक्शंस हैं, जैसे कि मास्क है, ये सब चीज़ें जो हैं अब हमारी हर एक आदमी की, मतलब आम मर्रा में ये चीज़ें जो है शुमार हो गई हैं, हर एक कोई इसको धारण करता है। इसके अलावा जो सैनिटाइजर्स हैं, सब ऑफिसेस में ये प्रोवाइड किए हैं स्टेट गवर्नमेंट द्वारा। जो है हम जब ऑफिसेस जाते हैं तो मतलब स्क्रीनिंग होती है, थर्मल स्क्रीनिंग की जाती है, सैनिटाइजेशन किया जाता है। हमने अपनी पूरी टीम को इस संबंध में, हमें सभी मिला है, जो हमारी यूनिट्स हैं फील्ड में, उन सबको हम लोगों ने सैनिटाइजर्स हैं, मास्क हैं, ग्लव्स हैं, वो सब प्रोवाइड किए हैं। लेकिन उसका बॉटम लाइन यही है कि प्रिवेंशन ही करना है हमें। इसका क्योर तो जब होगा तब होगा, प्रिवेंशन इज द ओनली क्योर। इसके अलावा आखिर में राजीव जी, मैं यही जानना चाहूंगी कि आगे इस पूरी पेंडेमिक के दौरान क्या आपकी प्रायोरिटीज रहेंगी, इसके बारे में भी हमें बताएं। देखिए, जैसे हमने कहा कि हम लोग का जो विभाग है, जो पुलिस विभाग है, इसमें तो एज सून एज वी गेट एनीथिंग विच इज स्पेसिफिक, और कोई कंप्लेंट स्पेसिफिक होती है, तो वी एक्ट अपॉन इट, हम उस पर कार्रवाई करते हैं।
और हमारे लिए चैलेंजेस तो आने वाले दिनों में भी बढ़ेंगे, क्योंकि इसके बाद जो है और सूचनाएं हमारे पास आएंगी, उन पर भी हम कार्रवाई करेंगे। लेकिन मैं आप लोग को इतना आश्वस्त करना चाहता हूं कि जो हमारा एंटी करप्शन ऑर्गेनाइजेशन है यूपी का, मंत्री जी के निर्देश है जीरो टॉलरेंस टुवर्ड्स करप्शन का, और जितनी वो मतलब लगन से परिश्रम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो हम सब लोग जो है, हर विभाग जो है, इसमें पूर्ण परिश्रम के साथ, पूर्ण मनोयोग के साथ, पूर्ण पारदर्शिता के साथ काम कर रहा है। और मैं आपको बता रहा हूँ, आपको मैं आश्वस्त करता हूँ कि इसके बड़े ही सार्थक परिणाम जो है आने वाले दिनों में होंगे। जो चैलेंजेस आएंगे पुलिस में, तो हर दिन एक नया चैलेंज है, उसको हम एक्सेप्ट करेंगे एंड वी विल मीट अप ऑन इट। बहुत बहुत शुक्रिया राजीव जी, इतनी आसान भाषा में ये पूरी जो प्रक्रिया है और किस तरह से इस विभाग के चैलेंजेस हैं वो हमारे दर्शकों को समझाने के लिए और हमसे जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो ये थे एसपी एसीओ यूपी राजीव जी, जिस तरह से उन्होंने बताया कि हर स्तर पर अगर लोग जागरूक हैं तो उनके अधिकार भी सुरक्षित रहेंगे। इसी तरह और भी विभागों के इस मौजूदा समय में क्या चैलेंजेस हैं, कैसे काम किया जा रहा है, इसके बारे में आपको बताते रहेंगे इसी तरह की बातचीत में। अगर ये बातचीत भी आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।